उन्होंने कब हंसाया है तो हम भी उनको हंसाते हंसाते हंसते हंसते याद करेंगे। तो मैंने वीआईपी से रिक्वेस्ट की, वीआईपी अयोध्या में शो कर रहे थे, आज ही फ्लाइट से भागे भागे आए। मैंने कहा भाई 5 मिनट के लिए आ जाना जरूर। तो मेरे दोस्त वीआईपी के लिए जोरदार ने सबने अपना अपना शेयर किया। भाई इतना एक नए म्यूजिक डायरेक्टर को जो वो प्रोत्साहन देते थे, हिम्मत देते थे, कहने भैया तुम बहुत आगे बढ़ोगे। और मुझे उन्होंने कई बार जब गाने होते थे तो मैं चला जाता था सेट पे, मुझे दिलीप बहुत अच्छा काम किया था तुमने, मैं बोला नहीं भाईजान आपको देख के किया है। तो ये जो उनकी यादें हैं हमारे बीच, और मैं एक बात सबके साथ में शेयर जरूर करना चाहूंगा कि कादर साहब गए नहीं, हमारे बीच हमेशा रहेंगे। और वो एक्टिंग की और डायलॉग की और कहानी की किताब थी, किताब है, किताब रहेंगे। और ये सही बात कही कि अगर उनको पहचानना है तो उनकी फिल्में देखें और उनकी फिल्मों से अपने आप को। कल नवभारत टाइम्स में छपा था सुनील जी, केसी मोगड़िया साहब ने बताया था कि 22 साल पहले की घटना है, शूटिंग थी केसी मोगड़िया साहब की। तो रजनीकांत जी अपने, रजनीकांत जी और कादर खान साहब थे फिल्म में, तो शॉर्ट फिल्म होने वाला था। तो रजनीकांत साहब को बुला रहे थे, कादर साहब असिस्टेंट गए नहीं आ रहे। फिर केसी मोगड़िया साहब ने बोले मैं बहुत कॉन्शियस हो रहा हूँ, इनके सामने बोल नहीं पाऊंगा। तो कादर खान साहब गए मेरे को बोलूंगे वो गले लगाया कि बहुत बड़े स्टार बनोगे। तो देखिए वो फोटो चलिए खत्म करते क्या? मेरा कहना है सबसे बड़ा फनकार होता है और कारण भाई जी रघुवी अमर आत्मा थे, एक ऐसी ज्योति थे। हम सब यहाँ उनको याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को अमर ज्योति प्रदान करे। कादर खान महज एक अभिनेता नहीं थे, कादर खान महज एक स्क्रिप्ट राइटर नहीं थे, कादर खान महज एक डायलॉग राइटर नहीं थे। कादर खान अपने आप में एक दौर थे, एक इरा थे। उन्होंने 45 साल तक दर्शकों के दिलों पर हुकूमत की, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर हुकूमत की, और ये हुकूमत जो थी ये कोई जोर या जबर की नहीं थी, उन्होंने हुकूमत की अपने फन की बदौलत। और अमिताभ बच्चन की इतनी फिल्में, अमिताभ बच्चन के इतने वन लाइनर्स जो आज भी लोगों की ज़बान पर हैं, एक तरफ अमिताभ बच्चन की फिल्में लिखते थे, दूसरी तरफ गोविंदा की फिल्में लिखते थे, और तीसरी तरफ साउथ इंडिया में जब जितेंद्र साहब का तूती बोल रहा था उनकी फिल्में लिखते थे। और हर कैरेक्टर के हिसाब से, जितेंद्र साहब की पर्सनैलिटी के हिसाब से, गोविंदा साहब के पर्सनैलिटी के हिसाब से, अमित जी की पर्सनैलिटी के हिसाब से वो सीन्स लिखते थे और जैसी फिल्म होती थी। और ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कॉमेडी लिखी है या कॉमेडी की है, जब उन्होंने सीरियस रोल्स किए हैं तो उन्होंने दर्शकों को रुला दिया है। वो फन था, वो आदमी जो है दुनिया में ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने उसे इसी काम के लिए भेजा था, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए। वो एक मिशन के साथ आए थे। और मैं ये कहूँगा कि कादर भाई ने एक भरपूर ज़िंदगी जी, बतौर एक्टर, बतौर डायलॉग राइटर, बतौर अपने आप में एक शख्सियत, और बतौर एक टीचर। बुनियादी तौर पे कादर भाई टीचर थे, उन्होंने लोगों को सिखाया, उन्होंने लोगों को बोलना सिखाया। और क्या कह सकता हूँ उनके बारे में, यही कहूँगा कि जो सबसे अच्छी बात उनकी ज़िंदगी में रही वो ये थी कि उन्होंने गुर्बत बचपन में देखी, गरीबी को बहुत करीब से देखा। उन्हें पता था कि गरीब आदमी की क्या तकलीफ़ें होती हैं, उसकी क्या ख्वाहिशात होती हैं। इसलिए जब भी कादर भाई ने
फिल्में लिखी हैं, ख़ास तौर से उन्होंने आम जनता जो है इस देश की उनका ख्याल रखा है, क्योंकि हर उस दौर से वो गुज़र चुके हैं जिससे एक गरीब आदमी गुज़रता है, और वो एक बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़ा उनका दिल था, लेकिन उनके दिल में इतनी बुलंदियों पे पहुंचने के बावजूद जो उनके दिल में एक गुर्बत थी, उनके सीने में एक गरीब आदमी का दिल धड़क रहा था, और आखिर तक वो दिल जो था वो गरीबों के लिए धड़का। कभी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़ी बड़ी फिल्में करते थे, मद्रास की करते थे, अमिताभ बच्चन की करते थे, प्रकाश मेहरा की करते थे, मनमोहन देसाई की करते थे, लेकिन इसरार जैसे हमारे प्रोड्यूसर भी जब उनके पास जाते थे, उनसे मिन्नत समाजत करते थे, तो कभी उन्होंने किसी को मना नहीं किया। ये नहीं था कि कादर भाई की वक़्त कम होती थी इन फिल्मों से में काम करने से, बल्कि उन फिल्मों की वक़्त बढ़ जाती थी कादर भाई के काम करने की वजह से। तो कभी कभार सेंचुरी में एक आध कोई ऐसा बंदा पैदा होता है, 100 साल में, एक शताब्दी में, और बार बार मैं ये कहता हूँ उनके बारे में कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कोई बुरी आदत नहीं थी, कोई लत नहीं थी, ना शराब पीते थे, ना सिगरेट पीते थे, ना कभी औरतों में दिलचस्पी लेते थे। उनके 3 मिशन थे, काम, काम और काम। वो कर्मयोगी थे, काम करने के लिए आए और अपना काम ख़त्म करके चले गए। काम से उन्होंने बहुत मोहब्बत की, जैसा कि मुग़ल आज़म का एक बुकड़ा है कि मोहब्बत हमने माना ज़िंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तो कादर भाई जब तक ये इंडस्ट्री है, जब तक ये दुनिया कायम है, कादर भाई का नाम जो है सुनहरे अल्फाजों में लिखा जा चुका है, जो कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। इतना ही। तो आप हमारी उस पर शक कर रहे हैं, आप हमारी नियत पे शक कर रहे हैं। हम तो हमेशा उनके टच में रहे हैं। अब भाई बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ कसर रह जाती है, और अगर कसर ना रहे तो फिर इंसान और भगवान में क्या फर्क है। निदा फादरी का एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कुछ कसर रह जाती है। एज कॉमेडियन हम सब ने आज मिलकर कादर साहब को अपने अपने अंदाज़ में याद किया, क्योंकि उनके अंदाज़ के बारे में तो ये कह सकते हैं कि वो हरफन मौला थे, हर गुण संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न जिसे कह सकते हैं। गुण भी जो है मतलब उनका कदरदान था, मतलब खानों के खान कादर खान को हम सब ने याद किया, और साथ साथ में कई लोगों ने उनके चुटकुले अंदाज़ को भी याद किया, कुछ उनके दोस्तों को, कुछ पुराने किस्सों को याद किया, उनके काम करने के तरीकों को याद किया, उनके लेखन के तरीकों को याद किया, इंसानियत को याद किया। कुछ लोगों ने शिकायत भी की, इंडस्ट्री की शिकायत की, और इंडस्ट्री की शिकायत अब हम सबको करीब करीब सेम होती जा रही है कि जब किसी लेजेंड का स्वर्गवास हो जाता है या कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो हमारे बॉलीवुड के लोग उस पर जो रिएक्ट करते हैं, बड़े बड़े कलाकार, मैं समझता हूँ कि वो गलत है, क्योंकि अभी तक बहुत बड़े बड़े कलाकारों का कुछ ट्वीट या कोई ऐसा मामला आया नहीं है। कादर खान साहब के लिए, इस वेले मोहम्मद अजीज साहब के लिए भी ऐसा ही था, सब बड़े बड़े कलाकारों के लिए साथ में काम कर चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मेन बॉलीवुड को देखता कौन है, बॉम्बे से बाहर के लोग, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी सिनेमा का चाहता दर्शक,
उन तक ये बात पहुँचेगी तो आप स्टार लोग आप उनकी नजर में 2 करोड़ की हो जाओगे। ऐसे मत कीजिए, आप फिल्म भी बनी है मगर साथ में इल्म भी बनी है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए, समझना चाहिए कि आप किसकी वजह से बने हो, किस राइटर ने आपको बनाया, किस सिंगर ने आपको बनाया, किसके गाने से आप आज भी याद किए जाते हो, किसके डायलॉग से आप याद किए जाते हो। मुझे लगता है कि बॉलीवुड जो है वो सिर्फ फल देख रहा है, पत्ते देख रहा है, लेकिन जड़ को भूल रहे हैं। और जड़ जो है, जो हमारे सीनियर हैं, कोई भी जितने बड़े सीनियर हैं, चाहे वो काका राजेश खन्ना जी हो, चाहे कादर जी हो, इतने बड़े बड़े लेजेंड जब सुनने में मिलते हैं हम लोगों को कि फलाने आर्टिस्ट के लिए कुछ ज़रूरत थी या कुछ, कोई भी कलाकार हो, सबका दिन आने वाला है, सभी उस दौर से गुजरेंगे। ऐसा नहीं कि कोई हमेशा ऊपर होगा, सबको नीचे आना है। लेकिन जब आप नीचे रहते हो उस वक्त अगर आपको प्यार मिल जाए, मैं पूरी बॉलीवुड को कहने जा रहा हूँ, बॉलीवुड जब आप देखते हैं कि जो कलाकार इस दुनिया में अब खोया जा रहा है, मतलब अगर उसको थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो वो कुछ साल और जी सकता है। ऐसे ही कुछ कलाकारों के साथ हुआ है, जैसे कि अभी आज काफ़ी लोगों ने कहा कादिर जी के बारे में कि उन्हें अंत में प्यार नहीं मिला, तो ये बहुत ही बॉलीवुड के लिए बहुत शर्मनाक की बात हुई है। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो जो कलाकार अब जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है, जिसे लोग भूलते जा रहे हैं, उसे याद कीजिए, उन्हें बुलाइए, उनके साथ बैठिए, कुछ भी उनसे काम कराइए, लिखाइए बिखाइए, जो राइटर हो कोई भी हो, क्योंकि कलाकार तब जिंदा रहते थे जब उनके साथ पूरा बॉलीवुड खड़ा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉलीवुड ऐसी गलती दोबारा ना करे, उन्हें प्यार मिले। और कादर जी के लिए बस ये कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सुनील पाल जी ने जो ये बेड़ा उठाया आज, बहुत सारे लोग आए, रजा जी आए, मतलब पूरी इंडस्ट्री जो चाहे थे वो नहीं आए, मगर जो लोग आए इससे पता चलता है कि ये लोग कादर जी को बहुत प्यार करते हैं। और एक शुरुआत की है सुनील भाई ने, तो मैं चाहूँगा कि इस ऐसी प्रकार है, मतलब कुछ जाए नहीं, मतलब ऐसा मौका नहीं आया, लेकिन जब भी ऐसा कभी खड़े होने का मौका मिले तो सुनील जी और सारे कलाकार तो रहेंगे, और भी कलाकार से विनती करते हैं कि आप भी जुड़े ताकि उस कलाकार को आत्मा को शांति मिले। अफसोस तो है ही है इतने लेजेंडरी कलाकार का, और उससे ज़्यादा अफसोस है कि उनके अफसोस पे कोई अफसोस करने वाला नहीं है, जिनको देखकर हम सब बड़े हुए, इंडस्ट्री में इतना सब कुछ दिया, और धीरे धीरे ये सब धरोहर जा रही है हमारी, अब ये धरोहर मिलनी नहीं है। तो एकजुट होकर इन पे अफसोस तो कर सकते हैं, कम से कम इतना कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सिनेमा बनाया है और बहुत कुछ दिया है, एक से एक जो लेजेंडरी हैं इन्होंने ही दिया है। तो बस यही अफसोस है कि कम से कम अफसोस दिल से ज़रूर करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, और इससे हमारे जो गैर फिल्मी लोग हैं उन पे भी हमारे परिवार का, इंडस्ट्री का अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि नहीं, आपस में ही अगर इनके दुख या कोई ऐसी मुसीबत आती है तो सब एकजुट होते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा इंडस्ट्री के तमाम लोगों से कि जब ऐसा कोई लेजेंडरी या कोई ऐसा कलाकार हमें अलविदा कह रहा है, ये दोबारा नहीं आने हैं, तो एक ऐसा आयोजन ज़रूर करें जिसमें हम सब अपना दुख प्रकट कर सकें। और आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सुनील भाई का कि जो दुख था ये सिर्फ टीवी पे देखा था, अंदर था और घुटन हो रही थी, कैसे व्यक्त करूं, तो आज इस शोक सभा में उसे व्यक्त करने का सौभाग्य मिला, और बड़ा मन हल्का भी हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि लोग अभी भी उनको बड़ा प्यार करते थे और उनके लिए अफसोस कर रहे हैं। ये लोग क्या सोचते हैं, जो स्टार लोग हैं जो छीक आने पर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और जिसका टाइम थोड़ा सा डावाडोल चलता है उस पर जो किनारा कस लेते हैं, तो इन स्टारों को लगता है कि बॉलीवुड में आपस में बना के रखो। इन्हें नहीं पता कि बॉलीवुड को देखता है दर्शक, हिंदुस्तानी सिनेमा का रियल दर्शक, और उन तक जब आपकी ये इमेज पहुंचती है तो फिर वो जब दर्शकों पर, क्योंकि आपको बनाया दर्शकों ने तो फिर वो बिगाड़ भी सकते हैं, तो आप प्लीज़ दर्शकों को, दर्शक बहुत इमोशनल है, भावुक है, उन्हें बेवकूफ़ मत समझो। अब बॉलीवुड ने क्या किया है, बॉलीवुड के स्टार, सो कॉल्ड स्टारों ने ये समझना शुरू किया है कि हम सब होशियार हैं और बाकी सब बेवकूफ़ हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आपको पता ही होगा कादर खान ने कई लोगों को बनाया, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कई कॉमेडियंस बनाए, कई कॉमेडियन को सुपरस्टार बनाया, कई लोगों को एंग्री में बनाया, कई किसी को सुपरस्टार बनाया, किसी को कॉमेडी, सब आपको पता है। नाम क्या है आपको पता ही है, अभी नाम लेने से क्या होता है, सबको सबके साथ, अब अमिताभ बच्चन साहब के साथ में तो
लोग पता ही है कि कितनी सारी फिल्में उन्होंने लिखी है। राजेश खन्ना साहब उनको लाए थे, दिलीप कुमार साहब लाए थे, इतने महान कलाकार दिलीप कुमार साहब, राजेश खन्ना साहब जो सुपरस्टार है, उन्होंने कादर खान को लाया, कादर खान साहब को, और कादर खान ने मिलकर इन सब के साथ में सीख कर ऐसा काम किया कि फिर बाद में उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार को दिया, सुपरस्टार उन्होंने इनको लाया तो इन्होंने भी सुपरस्टार लाए, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान खान, अक्षय कुमार, डेविड धवन, मतलब तो मुझे किसी का भी तो नाम दिखाई नहीं दे रहा है ये सभी से सब चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इल्मी हो जाइए, ज़्यादा फिल्मी मत होइए, बहुत बुरा लगता है दर्शकों को, बहुत बुरा लगता है। दर्शक जो हमारे हिंदुस्तान के ना, वो दिल से फिल्म सिनेमा देखते हैं, दिमाग से नहीं देखते। जिस दिन दिमाग से देखेंगे ना, उस दिन आपको देखेंगे नहीं। ऑल द बेस्ट।